Excel Public School, Lokhara, Guwahati. Admission open for class 11 in Science, Commerce and Humanities. Whenever you are at Haflong, please drop in Monkey Store, Haflong Main Market for quality and branded garments and also at reasonable rates. हिल्स लाइफ का प्रिय दर्शक व हमारा प्यारा भरा नमस्कार। हम लोग आज ऐसा एक खबर देने जा रहे हैं, हमारा दिमा हसाओ का जितना भी बसिंदा है, हम लोग एक बहुत बड़ा एक खुशखबरी देने को जा रहे हैं। ये खुशखबरी ऐसा है कि आज से और थोड़ा दिन बाद में यहाँ पे एक बड़ा सा एक हॉस्पिटल खोलने जा रहा है। ये इनॉग्रेशन होगा 18 अप्रैल को, और इसमें जो फैसिलिटीज़ मिलेगा, इससे जो सुविधा मिलेगा, जिस सुविधा के लिए आज भी हम लोग सिलचर बोलिए, गुवाहाटी बोलिए, बहुत बाहर बाहर जाने पड़ता है। छोटा छोटा बीमार में भी हम लोग यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलता है, लेकिन ये हॉस्पिटल आपको देने जा रहा है काफ़ी सारा फैसिलिटी, जो चीज़ हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग का साथ है यहाँ पे, जो अभी जो इनॉग्रेशन होगा व ये हॉस्पिटल बन के उठेगा, उस पर जो इंचार्ज रहा, पूरा देखभाल किया इनका काम, तो उनके साथ में हम लोग बात करेंगे जो फिलहाल क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा और पब्लिक हम लोग का यहाँ पे कितना सुविधा मिलेगा। तो जो पूरा चालू हो जाएगा तो हमारा दिमा हसाओ का जो भी आदमी है, कितना क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले हम भगवान को धन्यवाद देना मांगती हूँ कि बहुत आदमी लोग हमको, डोनर लोग हमको मदद किया है जी। इधर में ये बिल्डिंग ऐसा बनाने के लिए जी। क्योंकि ये तो 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो हमारे जेब में इतना पैसा भी कैश, मतलब वो बैलेंस, ऐसा बैंक बैलेंस ऐसा कुछ नहीं था। इधर का हॉस्पिटल का जो इनकम से खाली चला सकता था, फिर भी हम भगवान में विश्वास रख के शुरू हो गया। सबसे पहले जो डोनेशन मिला है वो तो 310 रुपया। अच्छा। एक छोटा लड़का से उसका पॉकेट मनी से दिया हमको। एक फ़ोन कॉल मिलने से वो बोला हमारे पास इतना है, हम देगा करके। अच्छा। इसके बाद तो बहुत कुछ डोनर लोग आए हैं, 1000 रुपया दिया है और 1 लाख रुपया भी दिया है, 1 करोड़ भी देने वाला भी है। ऐसा तो हम उसी दिन से, वो तो हम अक्टूबर 10 तारीख को फाउंडेशन किया वो 2015 में जी। वो तो तभी से एक दिन का काम एक दिन करेगा, ऐसा सोच के हम शुरू कर दिया। भगवान का दुआ से अभी तक तो पैसा बढ़ते रहते हैं और इतना तक तो आ गए हम। क्यों इतना इधर में कोशिश करता है, क्योंकि हम देखा है 2001 से इधर में देखा है बहुत कुछ पब्लिक बाहर जाना पड़ता है, मतलब सिलचा जाना पड़ता और गुवाहाटी जाना पड़ता है, वेल्लूर जाना पड़ता, ऐसा बहुत कुछ मुश्किल हम देखा है। वो हमारा डॉक्टर लोग इधर सिविल सेना, सबसे पहले जो डॉक्टर नाइडिंग, नित्यानंद नाइडिंग, उसने आने के लिए शुरू हो गया। सुबह सुबह आता था और हमको बोला अच्छा ठीक है, हम तो ऐसा एक हॉस्पिटल इधर में बड़ा करने को मांगता है। वो हमारे इधर में बहुत कुछ, वो गैस्ट्रिक का बहुत कुछ बीमारी है, बहुत कुछ लोग अल्सर से मरता है और इतना दर्द से बहुत तकलीफ में जीता है। तो हमको बोला एक दिन सबसे कुछ भी करके इधर में एक एंडोस्कोपी और कॉलोनोस्कोपी बनाने के लिए कोशिश करो करके। वो खुद बॉम्बे में गया, हमारा एक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, होली स्पिरिट हॉस्पिटल नाम से एक बॉम्बे अंधेरी में है, उधर में जाके वो ट्रेनिंग करके वापस आ गया। तो इधर में हम कम से कम 10 लाख हमारा खर्चा हो गया वो एंडोस्कोपी सेंटर शुरू किया।
और इसके बाद ये डॉक्टर ऐसा है, हमेशा पढ़ते रहता है। वो बोला है, सिस्टर हमारा इधर में ये एमसी हिल में ना बहुत पत्थर है, वो यूरिनरी ट्रैक में पत्थर बहुत है, वो तो इसको क्या करेगा, गुवाहाटी में जाएगा था 150,000 कम से कम जाएगा, हम इधर में एक सेंटर करेगा नहीं क्या सिस्टर। हम बोला डॉक्टर आप क्या बोलता है, हम कोटेशन तो लेगा आपको दिखाएगा 1,25,00,000 मशीन का खर्चा हम कैसा लेगा डॉक्टर, कुछ भी करो सिस्टर आप करने से हो जाएगा बोलकर। फिर हम क्या बोला, एप्लीकेशन दिया, फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर हमारा हॉस्पिटल से हम लोन लिया, बॉम्बे से लोन लिया, शुरू कर दिया। शुरू करके डॉक्टर नाइडिंग नीरूभाई अंबानी बॉम्बे का हॉस्पिटल में जाके पूरा ट्रेनिंग ले लिया, वापस आ गया। फिर उसका भी वो बहुत ऐसा जीत है उसका, उसने बोला हम बोला कि सिस्टर आप लोग कोशिश करेगा हो सकता है। तो डॉक्टर गया बॉम्बे गया और नीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेके फिर वापस आया, इधर में शुरू कर दिया कर दिया, मतलब अब खुद भी किया। फिर उसने इधर से गुवाहाटी से आरूपनाथ करके, डॉक्टर आरूपनाथ करके एक वेल नोन बहुत ये पॉपुलर है, वो डॉक्टर और उसका टीम को लेके आया ये। अच्छा। वो सब मिलके किया। अच्छा। फिर हम क्या हो गया कि इधर का पुराना हॉस्पिटल है ना, वो पुराना बिल्डिंग है, उसका जो वायरिंग है इतना ताकत तो नहीं है, सो इसलिए बोला हम थोड़ा रुकेगा, ये हॉस्पिटल आने से इधर में पक्का करेगा, ये पूरा डिपार्टमेंट शिफ्ट करेगा, इसके बाद इधर में स्टोन क्रशिंग बोलता है वो तो किडनी में हो और ट्यूब में हो, नली में हो और ब्लैडर में हो और पेशाब का नली में हो, किधर भी हो हम क्रश कर देंगे, लेजर से निकाल देगा करके, वो हम लेजर भी किना है। अच्छा। सब तय करके रखा है। तो इधर में होगा लिथोट्रिप्सी, इसको बोलता है यूरिथ्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, वो भी होगा। और दूसरा एक डॉक्टर अल्बर्ट कियांगते बोल के एक डॉक्टर डिप्पू से आया, उसको भी बहुत इंटरेस्ट है इधर पिन होल सर्जरी करने को, वो तो इतना काटने से बहुत मुश्किल होता है, तो इधर में भी बहुत ये तो क्या पोर्क मीट खाता है ना, वो सुअर का मांस खाता है, इसलिए सबको क्या गोल्ड ब्लैडर में पित्त संजी में पत्थर होता है, वो भी निकालने के लिए काटने का जरूरत नहीं है, वो पिन होल करके निकालेगा, वो भी होगा इधर में। और दूसरा हमारा एक फ्यूचर प्लान है, एक दो डायलिसिस मशीन लाने को, क्योंकि ऐसा मलेरिया से भी किडनी फेल होता है और दूसरा तो किडनी फेलियर ऐसा भी होता है, दोनों का बहुत ज़रूरत है, इसलिए गुवाहाटी और सिलचर जाना पड़ता, इसलिए हम सोचा है वो फ्यूचर प्लान दो मशीन का, दो एंडोस्कोपी सॉरी लिथोट्रिप डायलिसिस का दो मशीन का प्लान है, उसके लिए बहुत ये तो पानी का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसलिए वो हमारा ये सप्लाई पानी से नहीं होगा, हमको जिस रेन वाटर कलेक्शन का और एक टैंकी बनाना पड़ेगा, और प्लान इस 500,000 gallon वाटर का वाटर टैंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी फ्यूचर प्लान है। ये तो अभी हेल्थ का सुविधा के लिए, और हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, वो हेल्थ एजुकेशन भी देना मांगता है। इधर में तो 2014 में हमको परमिशन मिला कि ANM दैट इज ऑक्सिलरी नर्सिंग के लिए,
और हमारा सब बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया है, सबको भी जो पास हो के गया सबको काम भी मिला है। अभी फोर्थ बैच लिया है, फोर्थ बैच। अभी बॉम्बे से एक सिस्टर आया है, वो तो उधर में नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था। हाँ। वो सोचता है अभी इधर में नर्सिंग कॉलेज करेगा करके बीएससी में, तो हम उसके लिए कोशिश करता है। 2018-19 में मिलेगा, परमिशन मिलेगा तो करेगा। अपना मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ईएम सब हमारा सपोर्ट है। हाँ, तो हमको बहुत खुशी है, वासी भी आपको सपोर्ट देगा। हाँ। हाँ। ये सब हमारा फ्यूचर प्लान है और बाय गॉड्स ग्रेस हम सोचता है सब अच्छा से पूर्ति हो जाएगा। तो आप लोग इधर आके हमको ये पब्लिसिटी देने के लिए कोशिश किया करके वो भी बहुत खुशी है। नहीं, ये तो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। हम और भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। जो ये जो सुविधा अभी फिलहाल कितना बेड होगा और कितना बेड होगा और कितना फैसिलिटी फिलहाल मिलेगा? अच्छा अच्छा, इधर में हम आईसीयू होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये उसके संभालने के लिए सुविधा होगा। और 4 ऑपरेशन थिएटर होगा। अच्छा। वो तो 2 दिस इज बड़ा वाला, जैसे मेजर ओटी बोलता है उसको, और 2 तो छोटा होगा। और डिलीवरी होगा, सिसेरियन सेक्शन करते हैं अभी। और हम NRHM, हमको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हमको PPP बनाया है। तो हर साल में हमको 15,000 गवर्नमेंट से मिलता है, NRHM से मिलता है। इसके वजह से हम माँ बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट दे सकता है। अदर्स वी कैनॉट गिव ऑल फ्री, चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के क्या नाम देंगे? ओके, वी आर मिशनरी सिस्टर्स, सर्वेंट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हमारा ये मंडली का नाम है मिशनरी कॉन्ग्रीगेशन सर्वेंट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये तो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसको बोलता है पवित्र आत्मा सेविका संस्था। यही नाम है। और हॉस्पिटल का नाम तो होली स्पिरिट ही है, होली स्पिरिट ही रहेगा और होली स्पिरिट ही रहना चाहिए। तो ये रहा हम लोग का जो आप लोग का दिमाग हसाओ में जो बहुत ही बड़ा एक कदम आगे जा रहा है। ये 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इन्होंने ये सिस्टर बोलते हैं ना, सिस्टर जी हम लोग को जो बताया आप लोग सुनेंगे। और 18 जो अप्रैल है इनोग्रेशन का बाद में हम लोग और भी जानकारी देंगे, और भी अच्छा से हम लोग बात करेंगे। और ये फिलहाल हम लोग का जो होली स्पिरिट का जो फ्यूचर प्लान, फ्यूचर का काम यही रहा। धन्यवाद, थैंक यू। Excel Public School, an arc of excellence amidst green serenity. It promotes harmonious development, creating skillful global citizens. High-tech laboratories for perfect blending of theory and concept. Well-equipped ICT section. It nourishes independent thinking. Stimulates self-management, letting your child's dream take a flight. Personalized counseling cell. Hostels with excellent academic ambience.
जुथाई आंगी बस्कुल फरीबा माइथिगिन जाखा और इरा फरीरा आंग बाइनी एक्सप्रेस माइखा गिविन ग्राउ स्लिमा माइखा जिंग इरा फ्रीडु मलोडु सिंग क्रिप फाइटर दो इरा इरा हॉस्टल फेजिस हमबी और जिंग इरा फंग गेम्स पर थांगदु आउटिंग थांगबुदु निस एडमिशन लामास कर लाफदु इरा फेरादा जुथाई आ एक्सेल पब्लिक स्कूल लगावा माइथिगिन जाखा इरा स्कूल नि फैसिलिटीज ब्रेन बहामबी टीचर ऑफ हाईली क्वालिफाइड से फ्रेंडली बजाबी और जिंग एक्सेल पब्लिक स्कूल गिविन गिविन फेस्टिवल्स बिहू फेयरवेल टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे ट्रिप सेलिब्रेट लेटर डो हॉस्टल फैसिलिटीज ब्रेन बहाम भी लॉमान व माइडो गिविन गिविन स्पोर्ट्स एर हॉस्टल मकाम जीवा सामने ब्रेन बहाम थर डो एक्सेल पब्लिक स्कूल लोखरा गुवाहाटी एडमिशन ओपन फॉर क्लास 11 इन साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज